नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में अपराधियों ने पुलिस को दी खुली चुनौती, 1 करोड़ का सोना लूटकर हुआ फरार। इंटर परीक्षा से निष्कासित छात्र वेंटिलेटर तोड़कर हुआ फरार, परीक्षा केंद्र पर नहीं दिखा धारा 144 का असर। स्थायी नगर आयुक्त के नहीं रहने से शहर की सफाई व्यवस्था हुई ठप, मेयर ने सरकार को भेजा त्राहिमाम संदेश। किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दलों ने किया चक्का जाम, सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग। और कोविड को लेकर दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू, डीएम समेत कई अधिकारियों ने लगवाया टीका। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी के स्टाफ से आज सुबह करीब 1 करोड़ रुपए के सोने लूट लिए। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के वैरायटी चौक के समीप की है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह अपराधियों ने लूट की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब स्वर्णिका जेवर्स का कर्मचारी अभिषेक सुबह 2.25 किलो सोना के जेवर पर कोलकाता में होलोग्राम लगवाकर सुपर एक्सप्रेस से भागलपुर स्टेशन पर उतरा था। इसी दौरान डीएन सिंह रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के समीप नकाबपोश अपराधियों ने अभिषेक से 90 लाख का सोना लूट लिया। घटना को लेकर स्वर्णिका जेवर्स के स्टाफ अभिषेक आनंद और बाबू साहब ने बताया कि जैसे ही वे लोग पंजाब नेशनल बैंक के पास पहुंचे, वैसे ही बाइक से आए 4 बदमाशों ने आंखों पर मिर्ची का पाउडर फेंक दिया, जिससे वो लोग असहज हो गए। जिसके बाद 2 बदमाशों ने पिस्तल का भय दिखाकर 1 किलो 850 ग्राम सोने वाला बैग छीन लिया। इधर स्वर्णिका जेवर्स के मालिक विशाल आनंद ने कहा कि बदमाश चेहरे पर नकाब लगाए हुए थे। वहीं कोतवाली थाना में अभिषेक के लिखित बयान पर 4 बदमाशों पर लूट का केस दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी निताशा गुड़िया ने घटनास्थल का मुआयना कर एएसपी पूरन कुमार झा एवं कोतवाली इंस्पेक्टर गजेंद्र प्रसाद सिंह को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालने का निर्देश दिया है। साथ ही एसएसपी ने लूट मामले में एसआईटी गठित कर दी है, जिसको सिटी एसपी पूरन कुमार झा लीड कर रहे हैं। वहीं स्वर्णिका ज्वेल्स के संचालक विशाल आनंद ने बताया कि पूर्व में 19 सितंबर 2013 को भी लूट हुई थी और 2 किलोग्राम सोना स्टाफ से लूट लिया गया था, लेकिन लूट का सोना पुलिस आज तक बरामद नहीं करा पाई है। डिटेल्स तो आपको एफआईआर में मिल जाएगा। लूट हुई है 80-90 लाख रुपए का। अभी तो पूरा मूल्यांकन नहीं आया, लेकिन 80-90 लाख रुपए करीब आएगा। माल आ रहा था रास्ते में। कहाँ पर? पूजा प्रिया पहले। कौन लेकर आ रहे थे, कहाँ से? हमारा स्टाफ लेकर आ रहा था। कुछ भी आपको है क्या? नहीं। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में नकल करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है और इसी का नतीजा है कि अब तक करीब 4000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। प्रत्येक दिन दोनों पालियों में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अनुपस्थित हो रहे हैं। शनिवार को भी दर्जनों परीक्षार्थी परीक्षा से गैर हाजिर रहे। वहीं टीएनबी कॉलेज में कदाचार करते पकड़ा गया छात्र अविनाश कुमार वेंटिलेटर तोड़कर भागने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि 2 निष्कासित छात्र को कंट्रोल रूम के बगल वाले कमरे में रखा गया था। साथ ही छात्र की निगरानी कमरे के अंदर और बाहर पुलिस कर रही थी, लेकिन इसी बीच एक छात्र और ड्यूटी में तैनात जवान की आंख लग गई, जिसका फायदा एके गोपालन इंटर कॉलेज के छात्र अविनाश कुमार ने उठाया और वह ग्रिल के सहारे वेंटिलेटर तक पहुंच गया और फिर छत पर कूद कर फरार हो गया। इस बीच जब दूसरे छात्र की आंख खुली तो वह जोर जोर से कमरे में चिल्लाने लगा, जिसके बाद शिक्षक ने दूसरे छात्र को शांत करवाया और दूसरे छात्र को रूम में रखे कार्टून में ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद शिक्षकों की नजर जब वेंटिलेटर पर पड़ी तब मामला समझ में आया। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि महादेव सिंह कॉलेज के शिवम कुमार और एके गोपालन इंटर कॉलेज के छात्र अविनाश कुमार नकल कर रहे थे, इसीलिए दोनों को एक्सपेल्ड कर दिया गया था। वहीं सहायक केंद्र अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक चक्रवर्ती ने कहा कि एक छात्र चकमा देकर भाग गया है। इधर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन किसी भी केंद्र के बाहर धारा 144 का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। सभी केंद्र के बाहर पेरेंट्स की भीड़ लग रही है एवं पुलिस के जवान मूक दर्शक बने हैं। प्रथम सिटिंग में 2 छात्र एक्सपेल हुए हैं, एक महादेव सिंह कॉलेज से हुए हैं और एक गोपालन कॉलेज से हुए हैं, शिवम कुमार और अविनाश कुमार। तो एक लड़का जो है वो निरीक्षण के क्रम में ही वो चकमा देके निकल गया, और लेकिन दोनों छात्र को एक्सपेल किया गया।
भागलपुर नगर निगम में स्थायी नगर आयुक्त के नहीं रहने से शहर के मुख्य मार्ग समेत विभिन्न गलियों में कूड़े कचरे का अंबार लग गया है। दरअसल नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी के जाने के बाद निगम के प्रभारी नगर आयुक्त सत्यन प्रसाद वर्मा को वित्तीय पावर नहीं मिला है, जिस कारण नगर निगम के कूड़े उठाने वाले वाहनों को पेट्रोल पंप से डीजल नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप का निगम पर 21 लाख रुपए से अधिक बकाया है। इधर ऑटो टिपर और दूसरे वाहनों में डीजल नहीं रहने से शहर की सफाई नहीं हो पा रही है। सड़क एवं नाले कूड़े से भरे हुए हैं, साथ ही घर घर कूड़ा संग्रह के साथ सड़क पर बिखरे पड़े कूड़ों के उठाव को लेकर सफाई कर्मी भी लापरवाह हो गए हैं। स्थिति यह है कि कई मोहल्ले में तो लोगों को गंदगी युक्त मार्ग पर चलना पड़ रहा है। शनिवार को सफाई नहीं होने से शहर में 500 मेट्रिक टन कूड़ा जमा हो गया। सूजागंज बाजार में पिछले दो दिन से कूड़े का उठाव नहीं हुआ है। रिफ्यूजी कॉलोनी व सुर्खीकल मार्ग पर कचरा बिखरा हुआ है। सड़कों पर गंदगी की वजह से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। वहीं शहर की साफ सफाई को लेकर मेयर सीमा शाह ने सरकार से भागलपुर नगर निगम में जल्द नगर आयुक्त भेजने की मांग की है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने देश भर के कई हिस्सों में शनिवार को चक्का जाम किया। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर कुछ देर के लिए सांकेतिक चक्का जाम रहा। वहीं भागलपुर स्टेशन चौक के समीप राजद ने किसानों के समर्थन में नारेबाजी की। राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। खास बात यह रही कि चक्का जाम के दौरान कोई किसान सड़क पर दिखाई नहीं दिया। इधर चक्का जाम को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए थे। विगत दिनों केंद्र सरकार ने चोर दरवाजे से तीन काला कानून जो किसान विरोधी है ये लोकसभा में पारित करने का काम किया, जिसका आज हमारे देश का किसान, पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर उसका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार सुधी नहीं ले रही है और वो तीनों काला कानून वापस लेने के लिए। मोदी जी ने जो तीन काला कानून लाया है उसके विरोध में हम लोग आज चक्का जाम करने आए हैं। हम लोग किसान के साथ हैं और किसान के साथ रह के आने वाले चुनाव में हम मोदी को दिखाएंगे कि किस तरीके से मोदी जी ने गलत किया किसान के साथ। आज किसान मर रहा है, उसके बारे में मोदी जी सोचते नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री मुझे नहीं चाहिए। वहीं तीनों कृषि विरोधी बिल को रद्द करने की मांग को लेकर नवगछिया NH 31 SP आवास के समीप अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से चक्का जाम किया गया। चक्का जाम के दौरान सड़क के दोनों ओर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार तीनों बिल को वापस नहीं लेती है तब तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। कील गाड़ने से, सड़कों पर पहाड़ खड़ा करने से, सड़क खोदने से हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का नौजवान कभी रुका नहीं। जब तक मोदी तीनों काला कानून वापस नहीं करते हैं, यहाँ हजारों भगत सिंह, खुदीराम बोस पैदा होंगे और मोदी को हिंदुस्तान से बाहर खदेर करके कर दिया जाए। इधर भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी चौक पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा किसानों के समर्थन में सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने शेरमारी बाजार में आक्रोश मार्च निकाला, साथ ही सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं धरना को संबोधित करते हुए नेताओं ने सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान प्रोफेसर भोला यादव, बलराम निराला, लक्ष्मण मिश्र समेत कई लोग मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा जिले के सभी केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें कोविड महामारी में शामिल सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स समेत जिला पदाधिकारियों को भी कोविड का टीका दिया गया। कोविड टीका लगवाने वाले सबसे पहले पदाधिकारी ADM राजेश झा राजा रहे, जिसके बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज, DTO फिरोज अख्तर समेत अन्य अधिकारियों ने टीका लगवाया। वहीं टीकाकरण के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू हो गया है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से टीका लगवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही DM ने महामारी से बचाव को लेकर सभी कर्मियों से टीका लगवाने की बात कही। मौके पर तमाम पदाधिकारी समेत स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। आज से जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनका भी टीकाकरण शुरू हो गया। पहले स्वास्थ्य कर्मी का टीकाकरण चल ही रहा था, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने आज टीका लगवाया है। तो जिनका भी नाम लिस्ट में है उनको आकर के बिल्कुल
प्रायोरिटी के आधार पर टीका लगवाना चाहिए। किसी भी तरह के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित की गई है और जो ऑब्जर्वेशन का 30 मिनट का समय है वो भी समय यहाँ व्यतीत करना चाहिए। और कहीं से भी कोई एडवर्स सूचना, लगभग एक महीने से टीकाकरण चल रहा है, किसी तरह की कोई सूचना एडवर्स हम लोगों को नहीं मिली है। भागलपुर में पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले को लेकर आरोपी मिथुन शाह को 3 वर्ष की कारावास के साथ ₹10,000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। वहीं मामले को लेकर अपर लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल ने बताया कि बुद्धूचक निवासी मिथुन शाह एक प्राइवेट शिक्षक है और वह पीड़िता के साथ ट्यूशन देने के बहाने दुष्कर्म करने का प्रयास करता था। इसी मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह के द्वारा पॉक्सो 8 के तहत आरोपी को सजा सुनाई गई है, जिसमें ₹10,000 की राशि दंड के तौर पर पीड़िता के परिजनों को देने की बात कही गई है। स्पेशल पॉक्सो एक्ट के हैं, वहाँ एक सजा के बिंदु पर थी जिसमें एक्यूज जो है मिथुन शाह, जिसे कल दिनांक 5/2/2021 को दोषी पाया गया था पॉक्सो की धारा 8 में, आज उसे 3 साल की सश्रम कारावास की सजा, ₹10,000 अर्थदंड और वो भुगतान होगा पीड़िता को, और दंड नहीं देने की स्थिति में 3 महीना की अतिरिक्त सजा। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं निजी शिक्षक संघ द्वारा भागलपुर के केमिस्ट्री शिक्षक दिवंगत सीवी सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही निजी शिक्षक संघ ने सीवी सिंह की पुत्री के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1,50,000 की राशि को उसके खाते में डाला। वहीं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 51,000 का चेक सीबी सिंह की बहन को सौंपा। साथ ही शिक्षक सीबी सिंह के दोनों बच्चों को आजीवन पढ़ाने की जिम्मेवारी ली। इसके पूर्व मनाली चौक स्थित द इनोवेशन क्लासेस के डायरेक्टर आशीष ओझा ने दिवंगत शिक्षक के परिवार वालों को फेडरेशन की ओर से सहयोग करने की बात कही। वहीं भागलपुर के सराय स्थित एक कोचिंग में सीएफआई के जनरल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा कि कोचिंग फेडरेशन हमेशा उनके परिवार की सहयोग करेगी। बता दें कि पिछले दिनों सीबी सिंह ने एचडीएफसी बैंक के दबाव में आकर आत्महत्या कर लिया था। इधर सीएफआई के अधिकारियों ने कहा कि न्याय के लिए वे लोग सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे। मुझे भागलपुर की एक दुखद घटना के बारे में जानकारी हुई। श्री सीबी सिंह जी, जिन्होंने एचडीएफसी बैंक की रिकवरी की दबाव की वजह से, बहुत ही दुखद है, बट उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम उनके परिवार के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। सीएफआई परिवार पूरी तरीके से सीबी सिंह सर के परिवार के साथ खड़ा है। हम उनको अभी त्वरित सहायता के तौर पे 51,000 रुपये की राशि अभी तुरंत जो है दे रहे हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने दिया भी है। साथ ही उनके दोनों बच्चों के लिए पूरी लाइफ टाइम एजुकेशन के जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने भागलपुर के ही 5 शिक्षकों की एक कमेटी बना दी है, राजेश जी की अध्यक्षता में, साथ में राकेश कुमार झा जी और अन्य 3 शिक्षक उसमें रहेंगे। जिले में सड़क दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर प्रशासन सड़क सुरक्षा अभियान चला रही है, पर सड़क पर चल रहे लोग कानून व्यवस्था को तोड़ने में लगे हैं। पुलिस द्वारा लाख अपील के बावजूद लोग यातायात नियम का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं भागलपुर पुलिस के द्वारा शनिवार को शहर के विभिन्न इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों से फाइन वसूला गया।
मौके पर सर्जेंट मेजर के शर्मा समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। भागलपुर अकबरनगर थाना क्षेत्र में शिव मंदिर के समीप बिहार सरकार के जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों को अंचलाधिकारी शंभु शरण राय के नेतृत्व में तीन थाना की पुलिस द्वारा जेसीबी चलाकर तोड़फोड़ करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही अंचलाधिकारी ने सभी लोगों को जमीन खाली करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान सीओ शंभु शरण राय ने बताया कि पूर्व में भी पीडब्ल्यूडी के जमीन पर रह रहे लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिस पर आज कार्रवाई की गई। भागलपुर जगदीशपुर थाना परिसर में माघी काली पूजा एवं सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सीओ संजीव कुमार थे। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने की। सरस्वती पूजा को लेकर जगदीशपुर अंचलाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि डीजे एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी। बैठक में मेला कमेटी के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि समेत तमाम समाजसेवी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। देश में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में प्रगतिशील किसान मंच अमरपुर के संयोजक रामबालक शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम किए ज्ञापन अमरपुर वीडियो राकेश कुमार एवं सीओ स्वास्तिक कृष्णा को सौंपा। आवेदन में किसानों ने कृषि उपज की विक्रय मूल्य के रूप में सरकारी एवं गैर सरकारी विक्रेताओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सुनिश्चित करने, कृषकों पर समझौता के रूप में एकतरफा शर्तों को समाप्त करने एवं स्वामीनाथन समिति के सभी शर्तों को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। मौके पर संयोजक रामबालक शर्मा ने बताया कि शनिवार को इंटर की परीक्षा को देखते हुए किसानों द्वारा आयोजित चक्का जाम को रद्द किया गया। और आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई वर्ग दुर्दशाग्रस्त रहा तो वह किसान है। किसानों के मूलभूत सुविधा के लिए किसानों के द्वारा उपज किए जा रहे बड़ी परिश्रम से मेहनत से जान पर खेल के उपज का कोई सुनिश्चित कीमत नहीं होने के कारण किसान दुर्दशाग्रस्त है। बाजार में महंगाई बढ़ती जा रही है, रोज बरोज सरकारी सेवकों का जनप्रतिनिधि का वेतन बढ़ता जा रहा है, उसी बाजार में हम किसान भी खड़े हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि किसानों की जिंदगी में सुधार हो। कोविड 19 के दौरान दूसरे राज्यों से बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए कंपनी के द्वारा बस भेजी जा रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर वापस काम पर लौट रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को गुजरात के राजकोट से कंपनी के द्वारा अमरपुर क्षेत्र के धर्मपुर गांव बस भेजी गई, जिसमें धर्मपुर, फतेहपुर, शोभानपुर, इंग्लिश मोड़, शिकनपुर, रजौन आदि क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं युवाओं की टोली अपने अपने काम पर लौटी। बांका सुइया थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ुआ नदी के समीप बाइक सवार को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दिया। घटना में मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान लक्ष्मण यादव के पुत्र सुशील यादव के रूप में हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही सुइया थाना प्रभारी अजय कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में अपराधियों ने पुलिस को दी खुली चुनौती, 1 करोड़ का सोना लूटकर हुआ फरार। इंटर परीक्षा से निष्कासित छात्र वेंटिलेटर तोड़कर हुआ फरार, परीक्षा केंद्र पर नहीं दिखा धारा 144 का असर। स्थायी नगर आयुक्त के नहीं रहने से शहर की सफाई व्यवस्था हुई ठप, मेयर ने सरकार को भेजा त्राहिमाम संदेश। किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दलों ने किया चक्का जाम, सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग। और कोविड को लेकर दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू, डीएम समेत कई अधिकारियों ने लगवाया टीका। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।